डीसी के खिलाफ इमरजेंसी कप्तान बनाते ही रोहित ने बदल डाली एमआई की पूरी प्लेइंग 11। टीम में कराई पांड्या के दुश्मन की एंट्री, अकेला कर देगा विरोधों को ढेर। प्लेऑफ के लिए रोहित ने रचा ऐसा षड्यंत्र कि घबराने लगा उधर ऋषभ पंत। तो क्या है पूरी खबर की जानकारी, कैसे नीता अंबानी ने जैसे देखा कि उनकी टीम हार रही है इमरजेंसी कैप्टन के तौर पर रोहित शर्मा को अपॉइंट कर दिया है और क्या प्लानिंग कर रहे हैं। रोहित शर्मा जी से पूरी की पूरी दिल्ली की कैप्टन बैकफुट पर जा चुकी है, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। अगर वीडियो पसंद आ जाती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आईपीएल 2024 का 40वां मुकाबला यहां पर ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब सबको जिस मैच का इंतजार है वे 43 मुकाबले जो कि 27 अप्रैल दिल्ली कैप्टन बना मुंबई इंडियन के बीच खेला जाएगा। अगर बात करें मुंबई इंडियन की तो मुंबई इंडियन की हालत बहुत ख़राब है, अपना पिछला मुकाबला 9 विकेट से हारने के साथ ही। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी मुंबई इंडियन जो 5 बार की चैंपियन बन चुकी है और लगातार चैंपियन रहती है, इस साल आईपीएल में उसकी हालत बहुत ख़राब है। 8 मैच मुंबई ने खेले जिसमें से 3 मैच हार मिली है और 5 हार मिली है, इस वजह से वे पॉइंट पर है, इसलिए वे 8वें स्थान पर है। मुंबई इतने खराब प्रदर्शन के बाद उसके पास एक ही चारा है, बचे हुए जो 6 मैच हैं उसमें से 5 मैच जीता जाए और प्लेऑफ में एंट्री मारी जाए। तो दोस्तों उसका जो करवा शुरू होने वाला है वो दिल्ली कैप्टन के खिलाफ होने वाले मुकाबले शुरू होगा, क्योंकि यह मुंबई इंडियन चाहेगी जीत की पार्टी पर उतरने की कोशिश की जाए। 27 अप्रैल आईपीएल का 43वां मुकाबला और दिल्ली के ग्राउंड होगा जहां पर दिल्ली कैप्टन मुंबई इंडियन आमने सामने होंगे। अभी इस मैच में दोस्तों दोनों ही टीम आमने सामने होगी तो काफ़ी ज़्यादा कांटे की तकरार हो देखने को मिलेगी।